हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करंट अफेयर। ठीक है, तो ये करंट अफेयर है 7 नवंबर के। मैंने लिखा है इन डिटेल, यानी कि हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। इससे क्या, एक ही पैराग्राफ में आपको 3 से 4 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए, तो इसमें दिया हुआ है MSD और IBM ने साथ मिलकर इसके बिल्ड मच की शुरुआत। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के साथ मिलकर स्किल बिल्ड मंच का लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत IT में 2 साल में नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांस डिप्लोमा को IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार और डिजाइन किया गया है, जिसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTI में पेश किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल निर्माण पर ITI और NSTI संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए मंच पर विचार किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों को माई इनर जीनियस के माध्यम से संज्ञात्मक क्षमताओं और व्यक्तित्व का एक व्यक्तिगत मूल्यांकन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। भी डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ पेशेवर कौशल जैसे लेखन शुरू करना, समस्या समाधान और संचार के बारे में मूलभूत ज्ञान सीखेंगे। छात्रों को विशिष्ट नौकरियों के लिए भूमिका आधारित शिक्षा और सिफारिशें भी मिलेगी, जिनसे तकनीकी और पेशेवर शामिल होंगे। अब जो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है ना, वो है महेंद्र नाथ पांडे। IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं करण सिंह, और इसका मुख्यालय है कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, जितनी भी लगभग IT कंपनियां ना हमारी बेंगलुरु में ही मिलेंगी आपको। ठीक है, अगला दिया हुआ है कृषि मंत्री ने बंजर भूमि मानचित्र 2019 का किया विमोचन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि मानचित्र 2019 के 5वें संस्करण का विमोचन किया है। केंद्रीय भूमि संसाधन विकास और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित एटलस में देश की बंजर भूमि पर विस्तृत भू स्थानिक जानकारी दी गई है। ठीक है, ये विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उत्पादक उपयोग के लिए बंजर भूमि में सुधार लाने में सहायक है। बंजर भूमि मानचित्र 2019 में देश की बंजर भूमि के विभिन्न श्रेणियों के राज्य और जिलेवार वितरण दिया गया है, और जो भूमि क्षरण को दूर करने में सहायक होगा। अगला दिया हुआ है PM मोदी ने 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, इस महोत्सव का विषय राइजन, यानी कि रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है। IISF का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समावेशी उन्नति के लिए रणनीति बनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF की शुरुआत की गई थी। इसमें आगे दिया हुआ है विज्ञान उत्सव का लक्ष्य युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मक महत्वपूर्ण शोध, समस्याओं को सुलझाने और टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 21वीं सदी के कौशल विकसित करने में मदद करना है। अगला दिया हुआ है चीन ने सूडान की पहले उपग्रह यानी कि पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूडान ने सैन्य, आर्थिक और अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान करने वाले पहले उपग्रह का प्रशिक्षण चीन द्वारा किया गया है। सूडान की रिमोट सेंसिंग उपग्रह SRSS को सेंजेन एरोस्पेस ओरिएंटल रेड सी सैटेलाइट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। उपग्रह को चीन के लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के साथ साथ अन्य चीनी उपग्रहों गफान 7, सियाओंगयांग 1, 08, बांपोआ 1 सहित उत्तर चीन के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। सूडानी उपग्रह को मुख्य रूप से सूडान के नागरिकों और सैन्य रिमोट सेंसिंग के लिए विकसित किया गया है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उद्देश्य आंशिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।
इसका उद्देश्य आवश्यक डेटा हासिल करना और साथ ही देश की सैन्य जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना है। उपग्रह का उद्देश्य सूडान की स्थलाकृति मानचित्रण और प्राकृतिक संसाधनों पर एक व्यापक लागत प्रभावी और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। ठीक है, MSTC ने इलाहाबाद बैंक के साथ ई नीलामी मंच विकसित करने के लिए मिलाया हाथ। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। MSTC लिमिटेड ने इलाहाबाद बैंक के साथ एक समर्पित ई नीलामी मंच को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मंच सरफेस सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट अधिनियम के माध्यम से गैर निष्पादित अस्थियों की बिक्री के लिए सीधे तौर पर बैंकिंग संघ के पोर्टल, ये पोर्टल दिया हुआ है, से जुड़ा है। ई नीलामी मंच पर एक बार पंजीयन करने वाला बोलीदाता को लिए एक बार एक एक प्रकार का समाधान होगा, जहां भी बैंकों ने नीलामी में भाग लेना ले सकेंगे। इस कदम से बैंकों को सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से NPA में मदद मिलेगी और जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। MSTC घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी भारत की सरकारी कंपनी है। इसके बारे में इसमें आगे भी दिया हुआ है, यह इनपुट आयरन मटेरियल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष कंपनी है और इसने लाखों टन लोहे पिघलाने और स्क्रैप तोड़ने गए पुराने जहाज स्पंज आयरन गर्म ब्रिकेटेड लोहा रिलेबल स्क्रैप आदि का आयात किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, MSTC के अध्यक्ष और MD हैं बंबादुर सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 सितंबर 1964, मुख्यालय है कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक के MD और CEO जो हैं वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है ए ट्रेडिशनल ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे की परंपरा। अगला दिया हुआ है, सर्बिया ने सारा दमन जनोबिक दमनज नोबिक ने जीता मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019। केरल के कोची गोकुलम कन्वेंशनल सेंटर में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सर्बिया की सारा दमजन नोबिक ने 2019 का मिस एशिया ग्लोबल टाइटल का ताज पहनाया गया है। इस किताब यह किताब एशियाई क्षेत्र में विजेता को दिया जाता है। वियतनाम के गुएन की एन ट्रांग को सेस बिस मिस एशिया का किताब दिया गया है। इसमें भारत की समीक्षा सिंह ने फेस मिस ब्यूटीफुल ऑफ उप किताब जीता है। अगला मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2020 मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शहरी क्षेत्रों में भूकंप संबंधी शोध और बचाव 2019 पर शंघाई सहयोग संगठन SCCO के संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स द्वारा आपदा से निपटने की कार्यवाही संबंधी जानकारी और अनुभव तथा प्रौद्योगिकी पर परस्पर सहयोग के लिए 4 दिवसीय अभ्यास की मेजबानी की जा रही है। संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तत्काल प्रक्रिया के लिए अंतर सरकारी का सहभागिता को सक्रिय करने के लिए क्षेत्र तैयारी का प्रशिक्षण करना है। और जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो है अभी अमित शाह। अगला दिया हुआ है, ये भी भाई है, अगला दिया हुआ है 8वां, ADB चेन्नई कन्याकुमारी प्रौद्योगिक गलियारे के लिए देगा 3200 करोड़ का लोन, यानी कि 3200, यानी कि 3200। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के बीच पावर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 450 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3200 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। परियोजना की कुल लागत 653.5 मिलियन डॉलर है,
जिसमें सरकार 202.5 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। परियोजना को 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना राज्य में उद्योग और सेवाओं के लिए अधिक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बिजली की आपूर्ति प्रदान करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो बारी बारी से रोजगार में सुधार और आजीविका में सुधार करेगी। ठीक है, अब एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो गए हैं टेकी हाको नकाओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। यूएस बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास बांग्लादेश में शुरू हुआ। अमेरिका बांग्लादेश की नेवी के बीच सबसे बड़ा कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि कैरेट 2019 नौसेना अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत बांग्लादेश के चट्टोग्राम में की गई है। कैरेट अमेरिका के दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसेना अभ्यासों में से एक है। ठीक है, ये अभ्यास दो देशों के नौसैनिकों की परिचालन गतिविधियों को बेहतर समझ हासिल करने और विभिन्न सैद्धांतिक व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नत तकनीक से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। श्रीपद नाइक ने पुणे में इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री यशोवर्धन नाइक, पूरा नाम है इनका, ने महाराष्ट्र पुणे में उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। HEMRL रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो मुख्य रूप से रॉकेट और गन प्रोपेलेंट, पायरोटेक्निक उपकरण, उच्च विस्फोट प्रणाली और उच्च ऊर्जा अणुओं के संश्लेषण को विकसित करने में लगी हुई है। प्रयोगशाला ने कई सामाजिक सामरिक के साथ साथ रणनीतिक मिसाइलों के विश्वसनीय रॉकेट मोटर्स के निर्माण को सुरक्षित करने के लिए इग्निशन सिस्टम विकसित किए हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाक, पिनाक, सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आदि के लिए इग्निशन सिस्टम HIMRL में डिजाइन एवं विकसित किया गया है। प्रयोगशाला में कई सामरिक के साथ साथ यानी कि किया गया है आकाश नाग मिसाइलों और पिनाका MK1 रॉकेट के लिए तकनीकी आयुष निर्माणी को देहू रोड पुणे और निजी उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब DRDO के अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1958, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला दिया हुआ है हर्षवर्धन यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विज्ञान समागम प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत की अपनी तरह के पहले वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी का आयोजन परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 31 दिसंबर 2019 तक खुली रहेगी, जिसमें ब्रह्मांड को समझने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का अनावरण करते हुए सूक्ष्म एवं स्थूल तक दुनिया को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई के मृदंगम की संगीतमय उत्कृष्टता पर जारी किया विशेष आलेख। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने चेन्नई तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI के परिसर में प्राचीन दक्षिण भारतीय यंत्र की कला और संस्कृति के दुर्लभ संलयन मृदंगम की संगीतमय उत्कृष्टता पर एक विशेष आलेख जारी किया है। आलेख शोध एवं विकास परिणाम
परिणाम और वाद्य यंत्र के डिजाइन के नवाचारों के निर्माण मानकीकरण पर आधारित है। ये मृदंगम वादक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्बन्धित उमायालपुरम के सिब्रमण और पूर्व वैज्ञानिक टी रामास्वामी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव एवं और एमडी नरेश तोमर ने तैयार किया गया है। अगला दिया हुआ है 2020 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आधिकारिक लोगों का किया गया लोगो लोगों ने लोगों का किया गया अनावरण। भारत में वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। लोगों का अनावरण फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा और स्थानीय आयोजन समिति एलओसी द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। लोगों का डिजाइन चमकती नीली ले रहे हैं जो ट्रॉफी के रूप में बेस से उठती हैं ऊपर की ओर पहुंचती हैं, जो कि कश्मीरी पश्मीना शॉल और कलीनों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले पेचले या बोध मोटिफ के आकार का होता है। गेंदे के फूल से बंधी बिंदु के फ्रेम युवाओं के बीच विकास और तरक्की के उत्सव के प्रतीक को प्रदर्शित करती है। गेंदे का रंग और स्टाइल हजारों सालों पुरानी भारतीय टाई डाई तकनीक बंधनी वस्त्रों से तैयार की गई है। मैरीगोल्ड के प्रतीक के तने को बांधनी पैटर्न के साथ पारंपरिक बाली चित्रों से किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो ये हैं 7 नवंबर के, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। सो ये थे हमारे कुछ वीडियो, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि हमने डिस्कस किए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।